चक्रों के चक्कर में मत फंसो ट्विन फ्लेम्स। मैंने जो है साफ साफ टाइटल में ही लिख के दिया है कि ट्विन फ्लेम्स, चक्रों के चक्कर में मत फंसो। आप जो हो एक आध्यात्मिक जर्नी में हो। स्टार्टिंग में मैं बहुत खुश हुई जब मैंने देखा कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को जो है चक्रों का नॉलेज है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस, रेकी ग्रैंड मास्टर है, शामनिक हीलर है, पता नहीं क्या क्या है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, अच्छे अच्छे वो पता नहीं बहुत कुछ जानती है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। देखो एलोपैथी में जब उसका निकला होगा कुछ भी तो पेन किलर्स ही निकले होंगे स्टार्टिंग में, उतना रिसर्च नहीं निकला। पर मानवता की भलाई के लिए, इंसान की भलाई के लिए जो है उसका सर्च इम्पॉर्टेंट था। जो वैक्सीन्स लगे हैं तो देखो फ़र्क पड़ा है पूरी दुनिया में, और तो भलाई हुई ना। अगर मानवता की भलाई हो रही है तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। बट मैं साईं बाबा का एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने साई चरित्र में पढ़ा है कि जब भी कोई हठ योग या कुछ क्रिया कुंडलिनी वगैरह ऐसा कुछ करने के लिए लोग करते थे, ऐसा करने पर साईं बाबा उनको घर पे मैसेज भिजवाते थे। मराठी में कहते हैं उसको भाकर खाउन गप बस, कि वहाँ भाकर खाउन गप रहता है इतने का मतलब, जो अच्छी जिंदगी है उसको जियो, अगाऊ लफड़े में मत पड़ो। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है आपके योगा करने से, आपके मेडिटेशन करने से या आपके इनर वर्क करने से जो है जागृत हुई है, ऊपर चढ़ी है या ऊपर चढ़ रही है। हाँ, मेडिटेशन करने से, तपस्या करने से, साधना करने से पावर्स जो है जागृत होते हैं, ये सब कुछ सही है। बट सबसे बड़ा जागृति कब होता है? जब आप सरेंडर फॉर्म में रहते हो, जब आपके अंदर एक ईगो नहीं होता है कि जो करने वाला हूँ मैं हूँ, जो करने वाला है ईश्वर है, तब जो है उस शक्तियों को मतलब एक स्थान मिलता है। जो अगर आपके अंदर ईगो है कि मैं इनर वर्क करूँगी फिर मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। मैंने ना रविशंकर जी का एक लाइन सुना था बहुत साल पहले, शायद हो सकता है 12 साल पहले सुना हो। तो किसी ने सवाल पूछा था, गुरु जी कितने चक्रा होते हैं? 7 चक्रा होते हैं, 12 चक्रा होते हैं, कोई कहता है 108 चक्रा होते हैं पूरे बॉडी में, हाथ में भी चक्रा होते हैं, पैर केस में भी चक्रा होता है, कुंडलिनी का भी एक चक्र होता है, तो एग्जैक्टली कितने चक्र होते हैं? तो गुरु जी ने, श्री श्री रविशंकर जी ने उत्तर दिया कि आप जो हो इस चक्रों के चक्कर में मत पड़ो। देखो यहाँ दो व्यक्तियों ने, मैं गुरुजी के लिए नहीं कहती लेकिन साईं बाबा ने जरूर कहा है कि जो ये जो भी ऐसे कुछ कुंडलिनी जागरण वगैरह ऐसे कुछ करने की कोशिश करते थे तो साईं बाबा उसको हिंट देते थे कि तुम ये जो है मत करो। मेरे डार्क नाइट सोल टाइम पे जब मेरी अवेकनिंग हुई थी 2020 में, मेरी वो हालत ही नहीं थी कि मैं मेडिटेशन कर सकूँ। मैं गलती से कर लेती थी, वो अलग बात है, गलती से कभी कभी कर लेती थी, मतलब हालत ही नहीं थी, जैसे पुनर्जन्म ही मेरा हुआ है ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। बड़ी खुशी हुई जब ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस ने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि उनके ऑरा के कलर्स क्या हो सकते हैं, उनकी कब इंट्यूशन पावर जागृत होती है, जब अज्ञा चक्र खुलता है, ट्विन डिवाइन मैस्कुलाइन का जो है थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है इसलिए वो बात नहीं करते ज़्यादा। जब हर चीज़ को साइंटिफिकली समझाने लगा तो मुझे लगा कि शायद जो है सामान्य लोग भी जो है इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ पाएंगे। मुझे लगा हाँ, ऑरा के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में, उस पर कैसे विचारों से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सचमुच जो है सामान्य इंसान को जानना चाहिए और ट्विन फ्लेम्स को भी जानना चाहिए। बट कोई भी चीज़ जो होती है अति हो जाती है, मतलब हद से ज़्यादा हो जाती है, तो समय आता है उसको अंत करने का। देखो भाई ट्विन फ्लेम्स, तुम जो हो एक पर्पज़ लेके आए हो और आपको जो है ईश्वर खुद गाइड कर रहे हैं। अच्छा है कि आप ये सब सीख रहे हो, रेकी सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप अगर एक सामान्य इंसान की तरह केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर 11वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, पीएचडी यही करते रहोगे तो यार तुम अध्यात्म कब करोगे?
और कब तुम सरेंडर करोगे? और ईश्वर खुद तुम्हें, तुम्हारे अंदर वो नॉलेज भर के भेजा है ईश्वर ने तुमको, कोई कोर्स। अब तुम ट्विन फ्लेम बन के आए हो तो तुम खुद दुनिया को पढ़ा सकते हो। तुम क्या कोर्सेस कर रहे हो? देखो मैं जो यहाँ जो कोई DMDF बैलेंस कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप ICU में हो तो मुंह से खाना खाना अगर अच्छा है तो अगर नाक में नली डाल के आपको उसमें से मिक्सर में डाल के कुछ ड्रॉप्स डाले जाए खाना, वो ठीक होता है या मुंह से खाना ठीक होता है, आप खुद ही फैसला कर लो। हाँ, ICU में वो करना बहुत ज़रूरी है। जब ICU में हो आप, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो पेट के अंदर खाना जाना चाहिए, इसलिए नाक से नली में डाल के शरबत पिलाओ, जूस पिलाओ, वो पिलाओ, ये कर सकते हो। बट जो हो, अगर आप अच्छे खासे हट्टे खट्टे हो तो आप जो हो, आप समझ रहे हो कि कोई हीलिंग करेगा। देखो मैं किसी के पेट पे यहाँ पे लात नहीं मार रही है, मार रही हूँ, मारना नहीं चाहती, बट दूसरों के पेट भरने के चक्कर में आप खुद के घर उजाड़ मत लो यार। आपको उनके घर भरने हैं ना, तो आप उनके घर जरूर भरो, लेकिन कुछ ऐसा करके कि आपका घर भी भरा रहे। देखो आप रेकी सीखो, क्रिस्टल रेकी सीखो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो जो ना आपके जीवन में काम आ सके। और रेकी से ना आप खुद की हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की हीलिंग कर सकते हो, मतलब, और एक साइंस आप सीख सकते हो। और बट उसको उतना ही सीख के छोड़ दो, रेकी को जो है समाधि तक नहीं ले जाना है। देखो जो भी जितने संत हुए हैं ना, जी तुकाराम महाराज वगैरह हुए थे, कुछ और भी संत हुए थे, एक तो संत मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर कोई मराठी देख रहा है हो तो मुझे नाम बता देना। वो ऐसे मग्न हो के नाच रहे थे कि उनको मतलब एहसास ही नहीं हुआ, कुम्भार थे, हाँ गोरा कुम्भार बोलते थे शायद, मतलब नाच रहे थे मिट्टी में, ऐसे जो मिट्टी उनको बनानी पड़ती है ना कुम्भार को, तो वो नाच रहे थे, तल्लीन होकर नाच रहे थे, उनको याद भी नहीं रहा कि उनका बच्चा जो है छोटा सा वहां पे खेल रहा है। तो उन्होंने उस बच्चे को मतलब कब ईश्वर के भजन करते करते उसको मतलब दफन हो गया वो मिट्टी में, फिर भी जो है ईश्वर ने दया करके उनके बच्चे को वापस दिया। मतलब ये होती है भक्ति, जहाँ पे जो है कोई ईगो नहीं है कि आप कॉलेज जा रहे, क्या चल रहा है, मतलब कोई चक्रों के चक्कर में पड़ गए हो आप कौन सी जर्नी में हो? अरे आपके अंदर इतना नॉलेज, जो रियल ट्विन फ्लेम है ना, मैं तो कहती हूँ आपके अंदर इतना नॉलेज डाल के भेजा है ईश्वर ने, आपको इस किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या लोग समझा रहे हैं, मतलब इनका जो है स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल उड़ चुकी है इनकी। ये जो है एक मेडिकल कॉलेज खोल के बैठे हैं और एक एक टेक्निक को जो है इस तरह से आपके सामने दिखाया जा रहा है कि बस यही दुनिया है, यही सब कुछ है, और आपको बता रहा है कि इतने प्लैनेट है, वो है, थोड़ा बहुत जानना ठीक है, लेकिन पूरा उसमें डूब रहे हो। कोई कह रहा है मैं प्लेडियन हूँ, कोई कह रहा है ठीक है इंडिगो तक ठीक है, इंडिगो क्रिस्टल ये जो कैटेगरी कहता है प्लेडियन वगैरह ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है तो ठीक है, पर रोज एक घंटा कोई आपको इसके बारे में बता रहा है, आप जो हो अपनी स्पिरिचुअलिटी छोड़ के सिर्फ यही देख रहे हो। और सुनो, वो जो है ना आज जो बताया है इम्पोर्टेंट, वो तो एक बूंद भी नहीं है, मतलब आपको और भी दिमाग पागल कर लेना है, समझे आप? अब जो है स्पिरिचुअलिटी सिर्फ चक्रों में पकड़ कर रह गई है, स्पिरिचुअलिटी जो है अनकंडीशनल लव है, ईश्वर से अनकंडीशनल लव है, जहाँ से मिरेकल क्रिएट होते हैं। और आप जो हो एक बुक खोलकर, एक डॉक्टर जैसे कोई बता रही है, और आप जो हो उससे स्पिरिचुअलिटी के लेसन ले रहे हो। दिन रात DM क्या कर रहे हो, उसकी करंट एनर्जी क्या है, ये क्या चल रहा है यार? हाँ मालूम है, हाँ मालूम है वो आपका काउंटर पार्ट है, बट वो खुद ही आ जाएगा एक दिन, जब ईश्वर चाहेगा तो वो खुद ही आ जाएगा। अरे यार 10,000 लोग देख रहे हैं, 15,000 लोग देख रहे हैं, 20,000 लोग देख रहे हैं, आप सोचो क्या उनमें से सभी ट्विन फ्लेम्स है? तो सच में बताओ कितनों को गाइडेंस मिल रहा है और कितने लोग मिसगाइड हो रहे हैं, अपना काम धाम सब छोड़ के बाप दादा की मेहनत की कमाई आप ऐसे क्लासेस में डाल रहे हो। हाँ मैं मानती हूँ बहुत टाइम पे जीवन में ना गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, अगर मेरे पास भी बहुत पैसे होते तो मेरे डार्क नाइट सोल में मैं भी कई सारे रीडिंग्स करवा लेती,
लेकिन जिनकी जो है हैसियत नहीं है, जो जिनके माँ बाप जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से है, आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो? और आप समझोगे कि ये कोर्स आपने कर लिया, ये गाइडेंस आपको मिल गया, तो क्या आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? अरे अगर ऐसे गाइडेंस लेने की आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो मैं कहती हूँ पूरा जो कमाई है आपकी गाइडेंस लेने में ही चली जाएगी। खुद सीखो, खुद सर्च करो। इतने सारे जो है यूट्यूबर्स है, सबकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन एमरांस आज तक, आगे नहीं बताती मैं, आज तक मतलब कब क्या हो सकता है कह नहीं सकते। आज तक एमरांस के जितने वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं सचमुच उनसे बहुत प्रभावी हूँ। मैं उनको एक गुरु की तरह मानती हूँ। और देखो, उन्होंने बताया है कि जो है सेवन चक्रा जो है इसको जबरदस्ती जागृत करने की कोशिश मत करो, मतलब। और साईं बाबा ने भी बताया है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों ने ऐसे बातें कही है, तो क्या इसका रीजन होगा? आप जो हो भक्ति योग से उसको एक्टिवेट करो। देखो, मैंने मेडिटेशन किया ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। जैसे नल को सुबह पानी आ जाता है ना, सुबह 6 बजे पानी आ जाता है, तो कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस मेरे अंदर ऐसा हो जाता था कि एक टाइमिंग था, दोपहर का टाइमिंग हो, या उठती तो मैं देर से ही थी, दोपहर का टाइमिंग हो, तो ऑटोमेटिक जैसे किसी ने बटन दबाया और नल शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिक मैं खुद का मतलब बैलेंस संभाल नहीं पाती थी। मैं बेडरूम में जाके खुद को लॉक कर लेती थी और म्यूजिक लगाती थी, और वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता था। मैं आई थिंक, आई डोंट थिंक कि मैं जो है ज़बरदस्ती मेडिटेशन करती थी। और कुछ टाइम मैंने ज़बरदस्ती मेडिटेशन करने की कोशिश की, उसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपका दिमाग हैंग हो जाता है, उल्टे परिणाम भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं एडिक्शन में मत करो, आपको म्यूज़िक का एडिक्शन हो गया। मैं खुद एक ट्विन फ्लेम स्टार सीड होकर कहती हूँ, म्यूज़िक एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करो, जब तक आप खुद से आनंद से जो है बिना मेडिटेशन के म्यूज़िक नहीं कर सकते, तब तक आप मेडिटेशन पर, ओम पर, अगर साउंड में वो ताकत नहीं होती तो ओम के साउंड में ही क्यों वो ताकत है? साउंड में भी बहुत ताकत है। इसके ऊपर भी बहुत सर्च निकल चुका है। कई साउंड ऐसे होते हैं जो आपके बीपी को कंट्रोल करते हैं, कई साउंड ऐसे होते हैं जिससे शुगर कंट्रोल में आता है। मतलब देखो, साउंड से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती है, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च निकल चुका है। मुझे बताओ, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, सोल पर्पस करोगे, या जो है आप सिर्फ रोज 1 घंटा इस देवी का प्रवचन सुनोगे, फिर 1 घंटा उस देवी का प्रवचन सुनोगे? कितनी देवियाँ मिल जाएंगी और क्या क्या आपको बताएंगी? देखो, ये जर्नी ऐसी है, यहाँ तक एंजल तक दिख जाते हैं इस जर्नी में जो है। कभी मैंने एंजल्स को मैं क्रिश्चियनिटी से जोड़ के देखती थी, मेरा तो कोई संबंध भी नहीं था एंजल से, फिर भी मैंने देखा कि एंजल्स इस जर्नी में दिखते हैं, मदद करते हैं। और मैंने आज तक एंजल्स को जो है आवाहन नहीं किया है। पता नहीं क्यों मैं डरती हूँ, या पता नहीं मेरे क्या समझ है मेरी, पता नहीं, बट मुझे लगता है कि बाबा ये जो है ना, मैं मतलब बहुत सारे गॉड से कनेक्टेड हूँ। जब तक मेरे गॉड खुद मुझे नहीं कहते कि हाँ तुम उस एंजल को जो है आवाहन करके बुलाओ, तब तक मैं नहीं बुलाऊंगी। मन ही मन में मैं ऐसी वाइब्रेशन रखती हूँ कि जो भी पॉजिटिव शक्तियाँ है अपने आप मुझसे जुड़ जाए, भले वो एंजल हो या कोई भी हो। देखो, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स नहीं, एक सामान्य इंसान भी अगर मंत्र का जप करे ना, तो उसके भी 7 चक्र ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और जो है वो ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट हो जाएगा। उसको गाइडेंस मिलेंगे, टाइम टू टाइम पे ऐसे बंदे भेजे जाएंगे जो जो कि उसको मुसीबत से भी शायद निकालेंगे। अगर आपको मुसीबत लाइफ में आई है, तो वो ही आपका लाइफ लेसन है, वही आपका हो सकता है सोल पर्पज हो, उसी के ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे कमेंट नहीं किया है किसी ने, बट किसको ऑब्जेक्शन है पता है? प्रोफेशनल लोगों को ऑब्जेक्शन है, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। उनका एक टॉन्ट मैंने आज सुना कि लोग जो है अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी कर रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो तो कि किसी की पर्सनल जर्नी नहीं है, मेरे लिए ये मेरी पर्सनल जर्नी ही है, क्योंकि मेरे आसपास आजू बाजू इधर उधर कोई भी ट्विन फ्लेम नहीं है। और अगर होते भी है तो फिर भी मेरे लिए मेरी ये पर्सनल जर्नी ही है।
और मैं सोचती हूँ कि हर डिवाइन फेमिनाइन को ना कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। अगर आप जो है इस चीज़ को साइंटिफिकली समझा रहे हो, कोई स्टोरीली समझा रहा है, कोई लक्षणों से कैरेक्टरिस्टिक्स से समझा रहा है, कोई ड्रीम के लक्षण क्या मिलते हैं इसमें उससे समझा रहा है, कोई नंबर्स के क्या लक्षण है, सिंक्रोनिसिटी कैसी होती है उसके थ्रू समझा रहा है, कोई इस टाइम पे बैलेंस कैसे करते हैं इसके लिए समझा रहा है, और मैं जो हूँ इसके इंटेंसिटी के लिए आपको समझा रही हूँ कि इसकी इंटेंसिटी किस तरह से होती है, किस तरह से लाइफ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, एक जीवंत शुद्ध उदाहरण मैं दे रही हूँ। और मेरे इसके पीछे दो पर्पज़ है, मेरी ऑटोमेटिक भड़ास निकल रही है। क्या है, मैंने लाइफ में कभी चुगली नहीं की जाकर, मैं जाके मुंह पे नाक तोड़ के आ जाती हूँ लोगों की, इसलिए बहुत पंगे हो जाते हैं मेरे सबसे और दुश्मन बन जाते हैं लोग मेरे, तो मैं किसी के साथ चुगली नहीं कर सकती। जब हद से ज़्यादा, मतलब जब हद से ज़्यादा आपके लिए गलत फहमियाँ फैल जाती है, आपको जो है कभी कैरेक्टर वाइज हो, कभी मतलब आपके एक शुद्ध विद्या को, आपके एक अध्यात्म को भी, आपके आप अगर रिकी ग्रैंड मास्टर हो उस शास्त्र को भी जब लोग काली विद्या समझ लेते हैं, जो वशीकरण समझ लेते हैं, तब और जब बात जब आती है कैरेक्टर पर, तब उठ कर खड़ा होकर अपनी साइड रखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपनी साइड इसीलिए रखी है कि जो भी मुझे जानते हैं पहचानते हैं, अगर भविष्य में मैं रहूं या ना रहूं तो मांजरा क्या था वो ये वीडियो देख के समझ ले और मेरे लिए जो है गंदी सोच ना रखे, नहीं तो मरने के बाद भी जो है उनकी जो है नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे मिलती रहेंगी। और मैं फिर भी जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं डिप्रेशन पर काम करना चाहती हूँ, मैं खुद मानती हूँ कि मैं कभी डिप्रेशन में थी और कभी कभी जब जीवन की लाइफ सिचुएशन से मैं भी थक जाती हूँ तो एक कुछ समय के लिए हो सकता है मैं भी थोड़ी डिप्रेस हो जाती हूँ, लेकिन मैं उससे निकलने की कोशिश करती हूँ। और मैं जितने भी मेरे आसपास के लोग होते हैं या हुए हैं डिप्रेशन में, मैंने बहुत उनको हेल्प की है कि वो जो है डिप्रेशन से बाहर निकले और उनको जो है 100% रिजल्ट मिले हैं। मैं अपनी तरफ से जो भी मेरा हिस्सा है, जो भी मुझे ईश्वर गाइड करेंगे वो मैं करने की कोशिश करूँगी। और मैं जो हूँ कभी कहती भी नहीं कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मुझे लाइक करो, प्लीज़ मुझे शेयर करो। मैं तो अगर फेसबुक पे भी मैं अपना वीडियो रख दूँ तो मेरे गांव के लोग ही गंदी विचारों से ही प्रभावित होकर क्यों ना हो 10,000 लोग तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं किसी की फटी हुई देखना। तो मैं सोचती हूँ क्या मैं सबको जवाब देती रहूँगी, एक आएगा दूसरा सवाल पूछेगा, तीसरा एक सवाल पूछेगा, चौथा एक सवाल पूछेगा। तो कुछ टाइम के लिए मैंने जो है ख़ुद को साइड में कर लिया इन लोगों से, मतलब मुझे इनके साथ दिमाग लड़ाना ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें से कई सारे जो है जो अटैक करते हैं वो निगेटिव स्टारसीड होते हैं। मैं खुद कहती हूँ अगर आप ट्विन फ्लेम हो ना तो आप भी चैनल खोलो, क्या आपके जीवन में एक्सपीरियंस हुए हैं वो बताओ, ऐरा गहरा नत्थु ठहरा खुद को ट्विन फ्लेम समझ के। पता नहीं किस दुनिया में पागल हो रहे हैं लोग ट्विन फ्लेम्स के नाम पे जो है, ये निगेटिव स्टार सीड्स जो होते हैं बस उनको एक बहाना चाहिए। देखो ईश्वर ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति में ही भगवान नहीं है, मैं हर तरफ हूँ, लेकिन वहाँ भी जो है लोगों ने हिंदू मुस्लिम जात भेद बना दिया, झगड़े बना दिए, क्या क्या बना दिया, ईश्वर का संदेश क्या होता है और निगेटिव स्टार सीड जो होते हैं सिर्फ इनसे जहर कैसे फैले वही देखते हैं। मतलब जो भी ईश्वर करना चाहते हैं उसको वो पलट देते हैं, मतलब जिस जो अमृत ईश्वर भेज रहा है उसको जो है सामान्य लोगों तक नहीं पहुंचने देते हैं, उसको जहर बना देते हैं। किस तरह से एक ट्विन फ्लेम्स को, डिवाइन फेमिनाइन को खलनायिका के रूप में जो है समाज के सामने लाया जाता है, कि किस तरह से उसको बदनाम किया जाता है, किस तरह उस एक प्यारी सी बच्ची को जो है एक डायन बना दिया जाता है, उसके ऊपर तो मैं मतलब हजारों वीडियो बना सकती हूँ। और यही होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ, ताकि वो जो है अपना सोल पर्पज ना कर सके, लोग जो है उनके साथ कनेक्ट ना हो सके, उनसे दूर भागे, इसलिए उनको बदनाम किया जाता है, इसलिए उनके ऊपर भी अटैक किए जाते हैं, उनको भी पागल बनाया जाता है, उनको भी फॉलन इंजन बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो भी सेक्स करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, भटकते रहे, उनको भी कई तरह से कंट्रोल किया जाता है।
तो मेरा कहना है कि आप स्पिरिचुअल हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप ईश्वर से कनेक्ट करो डायरेक्ट, एरे गेरे नथु ठेरे से मत कनेक्ट करो। सीखना है तो कुछ अच्छा सीखो, बट कुछ गाइडेंस कोई भी दे रहा है और आप ले रहे हो, अरे साक्षात ईश्वर आपके पास है, एंजल सबको गाइड कर रहे हैं, आप उनसे गाइड मांगो। कोई भी बकवास करके आपको कुछ भी सिखा रहा है और बस आप सीखते जा रहे हो, क्या यही